दोस्तों, क्या आपको आपका फेसबुक अनसपोर्टेबल बताता है? अनसपोर्टेबल हैज़ बिन स्टॉपेड। तो ये किस सिचुएशन में होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसका सलूशन आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो फेसबुक अनसपोर्टेबल बताता है इसको कैसे फिक्स करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये छोटी सी वीडियो रहेगी दोस्तों, तो इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का आपको सलूशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कुछ भी फिक्सिंग वगैरह, आपका व्हाट्सएप वर्क नहीं करता या आपकी कुछ भी दिक्कत आ जाती है आपके एंड्रॉयड मोबाइल से रिलेटेड, तो मुझे दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, क्योंकि दोस्तों मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा और ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको जल्दी दूंगा। और शायद मैं आपको इस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप बता रहे हैं, उस पर एक वीडियो भी बना दूं। तो आपको ज़रूर अपने जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स में लिख देनी चाहिए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हम जो है काफ़ी ऊपर तक पहुंच गए, हमारे 20,000 सब्सक्राइबर भी काफ़ी पहले पूरे हो चुके हैं और हमारा टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर का है, वो भी आप जल्दी पूरा करवा देंगे मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। तो अब हम बात करते हैं फेसबुक को अनसपोर्टेबल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले मेन्यू बार में चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे आना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग्स ये रही। तो इसके अंदर हम चले जाते हैं। सेटिंग्स में जाते ही दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने ऐप्स मैनेजमेंट में जाना होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप, तो यहाँ पर हम इसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फेसबुक को ढूंढ लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फेसबुक, तो फेसबुक पर हमें जाना होगा। फेसबुक पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें स्टोरेज पे जाना होगा, स्टोरेज पे जाने के बाद इसका डाटा क्लियर कर देना होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी आईडी लॉगिन हुई होगी वो लॉगआउट हो जाएगी, आपको दोबारा जो है लॉगिन करनी होगी। तो जब भी आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे तो आपको दोबारा अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको परमिशंस वगैरह मिल जाती हैं, तो परमिशंस को सबको ऑन कर देना है और अपने मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर ऑन कर लीजिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको अपने फेसबुक को अपडेट भी कर लेना होगा। दोस्तों अपडेट के लिए बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी कि आप अपने मोबाइल को, अपनी एप्लीकेशंस को कैसे अपडेट कर सकते हैं, आप उन्हें देखकर अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपके सॉफ्टवेयर भी क्रैश ना हुए हों, क्योंकि अगर दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर क्रैश हुए होंगे आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल के सॉफ्टवेयर उड़े हुए होंगे, तो आपका ये फेसबुक नहीं चल पाएगा, फिर तो कोई सेटिंग्स ही नहीं है, आपको सीधा पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने होंगे, उसके बाद ही आपका फेसबुक चल पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल गया होगा। दोस्तों अगर मिल गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।